आदमपुर जिले के बिंदवल गांव में दबंगों द्वारा गर्भवती महिला के पेट में मारने से गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो जाने से परिजन रोते हुए एसपी से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे बिलरियागंज थाना क्षेत्र के बिंदवल गांव निवासी पीड़िता ने बताया कि जन्माष्टमी के दिन उसकी पुत्री व पुत्र बाइक से चढ़ावा चढ़ाकर घर वापस लौट रहे थे। अभी वह गांव में पहुंचे ही थे कि रास्ते में किसी और से दबंगों की ठोकर लग गई, लेकिन वो उसके पुत्र को ही मारने पीटने लगे। बीच बचाव करने पहुंची उसकी गर्भवती पुत्री तो उसके पेट में ही दबंगों ने पैर मार दिया। गर्भवती होने के चलते उसके पेट में दर्द होने लगा। इस बात की शिकायत लेकर वह मुकामी थाने पहुंची तो पुलिस ने दवाई इलाज कराने की बात को कहकर मामले को टाल दिया। परिजन गर्भवती पुत्री को जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराए, जहां ऑपरेशन के बाद उसे मृत बच्चा पैदा हुआ। डॉक्टर ने पेट में चोट लगने के कारण बच्चे की मौत का कारण बताया। पीड़िता ने मृत बच्चे को लेकर एसपी कार्यालय के पास पहुंची और रोते हुए अपनी व्यथा को बयां किया। कहा कि उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। पीड़िता ने एसपी से मांग किया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कहाँ से रहने वाली? थाना कौन सा लगता है? क्या मामला है? क्या एसपी कार्यालय पर आप आए? क्या मामला है, क्या समस्या है? किसकी कार्यालय पर जन्माष्टमी के दिन चढ़ाई के भाव आई लोग आवत रहे, कौन लड़का दूसरों के ठोक देले, हमारे लड़का के बलौठा चलाई के मार देना दलील। कौन मार दिया? मार देना हमारे पवार मार देना पेटे में लात लड़की के हमारे देख जाइए सामने सुनवाई ना होती है। थाने पर शिकायत की थी इसकी? थाने पर सब कुछ हो गया, सुनवाई ना होती है ना। मैं को कागज देते मैंने हमारे सुनकर आप ही देना है, कुछ ना देना हमके। कौन दे रहा? सुनवाई होता है ना है। थाने वाले नहीं दे रहे हैं? थाने वाले ना देते, सुनकर आप ही भी ना देना, मांगे गए कह जाए अपना ऑपरेशन कराओ तुम्हारे। नहीं दिया, नहीं थाने वाला दिया, जो नए दरोगा है इनलेस ना उसका। क्या चाहती है? नहीं दिया, मेरी सुनवाई नहीं।